गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गार्नियर हाइड्रा बॉम्ब शीट मास्क का रिव्यू। ये आज मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। इससे पहले मैंने गार्नियर के दो शीट मास्क और यूज़ करे हैं, एक चारकोल वाला और एक है सकुरा वाइट वाला। तो अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये शीट मास्क है, यहाँ पर लिखा है रीप्लम्पिंग पोमाग्रेनेट और यहाँ पर उसकी पिक्चर भी बनी है अनार की। और ये है फॉर डिहाइड्रेटेड और ड्राई स्किन। इसमें पीछे यहाँ पे इनके दिया हुआ है कि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट पोमेग्रेनेट है और ये आप 15 मिनट्स के लिए रखना है और 1 वीक का आपको ये सीरम प्रोवाइड करता है। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इसका कट बना हुआ है और हम इसको ऐसे इजीली ये ओपन भी हो गया। और इसमें देखें कि वाइट कलर का शीट मास्क है और इसमें बहुत सारा सीरम है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें कटआउट्स बने रहते हैं फेस, इसमें नोज का, लिप्स का, आईज का, तो हम उसी हिसाब से अपने फेस पे इसको सेट कर लेंगे। आराम से आप अपना टाइम लेके इसको सेट करिए, कोई जल्दी नहीं है। फेस आपका क्लीन होना चाहिए, क्लेंस फेस बिल्कुल, कोई मेकअप नहीं, कोई मॉइस्चराइजर नहीं। सीधा फेस वॉश करके और शीट मास्क यूज़ करिए। सो फ्रेंड्स, मैंने शीट मास्क अच्छे से सेट कर लिया है और काफ़ी सीरम है इसमें लेफ्ट ओवर, तो उसको भी मैं यूज़ कर लूँगी। सो मैंने इसका लेफ्ट ओवर जो सीरम था पैकेट में, वो मैंने यूज़ कर लिया है और अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए रखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसका रिज़ल्ट। इसकी प्राइसिंग के बारे में शायद हमने बात नहीं करी है। ये है 99 रुपीज़ का और एक पैकेट में एक ही शीट मास्क होता है। और ये क्लेम कर रहे हैं कि आफ्टर 15 मिनट्स जो आपकी स्किन होगी वो इंटेंसली रिहाइड्रेटेड हो जाएगी, स्किन लुक स्मूदर, कॉम्प्लेक्शन मोर रेडिएंट और आफ्टर 1 वीक फाइन लाइन्स विल अपियर रिड्यूस्ड, स्किन लुक्स प्लम्पर, स्किन इज रिवाइटलाइज्ड। तो अब हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। वो दोनों जो शीट मास्क थे, चारकोल वाला और सकुरा वाइट वाला, वो तो बहुत ही अमेजिंग था और ये इसका अब देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। 15 मिनट्स हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम अपना मास्क रिमूव कर लेते हैं। चाहे आप ऐसे हटा सकते हैं या फिर आप ऊपर से हटाना चाहे वैसे भी हटा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आया है और जो भी हमारा लेफ्ट ओवर सीरम है उसका मसाज कर लेंगे। हमें फेस वॉश नहीं करना है, थोड़ा सा मसाज करेंगे और वो स्किन में खुद ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया उसका रिज़ल्ट। सो फ्रेंड्स, हम इसके रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। स्किन काफ़ी ग्लोई, रेडिएंट और ब्राइट लग रही है, जैसा उसमें था कि आपकी स्किन ब्राइट लगेगी। और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत पसंद आया, फेस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और मैंने फेस को मॉइस्चराइज भी कर लिया है। सीरम जब आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से, तब आप कोई भी, अब जो आपका फेवरेट मॉइस्चराइजर उसको अप्लाई कर लीजिए ताकि जो भी गुडनेस है वो स्किन में लॉक हो जाए। आई होप ये मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।